गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर के सब्जेक्ट कोड 306 कंप्यूटर नेटवर्क में सेकंड यूनिट नेटवर्क लेयर एंड राउटिंग में दूसरा टॉपिक इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत इंटरनेट कंट्रोल प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एड्रेस मैपिंग में क्या होगा? मैपिंग लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेसिंग और मैपिंग फिजिकल टू लॉजिकल एड्रेसिंग, इसके लिए जो प्रोटोकॉल्स आएंगे वो आएंगे आपके KRP यानी एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल और एक रिवर्स एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल अर्थात RARP। तो द डिलीवरी ऑफ ए पैकेट टू ए होस्ट और ए राउटर रिक्वायर्स टू लेवल ऑफ एड्रेसिंग। किसी भी पैकेट की डिलीवरी के लिए दो लेवल की एड्रेसिंग की ज़रूरत होती है, लॉजिकल एंड फिजिकल। वी नीड टू बी एबल टू मैप ए लॉजिकल एड्रेस टू इट्स करस्पोंडिंग फिजिकल एड्रेस एंड वाइस वर्सा। तो हमें ये चाहिए कि हम लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करें और फिजिकल एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करें। दिस कैन बी डन बाई यूजिंग आइदर स्टेटिक और डायनेमिक मैपिंग। और ये जो प्रक्रिया है वो या तो आप स्टेटिक मैपिंग से करें या डायनेमिक मैपिंग से। पहला है इसमें मैपिंग लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। इसके लिए जो यूज में लिया जाता है वो होता है एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसमें पहले वाला जो ऊपर ब्लॉक डायग्राम दिया गया है, ARP रिक्वेस्ट इज ब्रॉडकास्ट। ARP की जो रिक्वेस्ट होती है वो होती है ब्रॉडकास्ट, यानी सिस्टम ए रिक्वेस्ट कर रहा है सिस्टम बी को। जब सिस्टम ए लुकिंग फॉर फिजिकल एड्रेस ऑफ ए नोड विद आईपी एड्रेस 141.23.56.23, जब आईपी एड्रेस 141.23.56.23 के लिए फिजिकल एड्रेस देखा जाएगा, तब ARP रिक्वेस्ट है वो उस नेटवर्क से जुड़े हुए प्रत्येक सिस्टम के पास जाएगी। इसलिए ARP रिक्वेस्ट होती है वो ब्रॉडकास्ट होती है, अर्थात उस नेटवर्क में जो भी सिस्टम कनेक्टेड है उन सबके पास ये रिक्वेस्ट जाएगी। ARP रिप्लाई इज यूनिकास्ट। नीचे जो डायग्राम दिया गया है वो ARP रिप्लाई का है। द नोड फिजिकल एड्रेस इज A4.6E.F4.59.83.AB। तो ये जो फिजिकल एड्रेस रिप्लाई कर रहा है सिस्टम बी, यानी उस आईपी एड्रेस के करस्पॉन्डिंग जो फिजिकल एड्रेस मिला है वो सिस्टम बी से मिला है, तो वो रिप्लाई करेगा सिस्टम ए को। यानी अब इससे सिस्टम ए को पता लग जाएगा कि इस आईपी एड्रेस के करस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस ये होगा। तो ARP रिप्लाई वो यूनिकास्ट होगी, यानी जब सिस्टम बी रिप्लाई करेगा तो वो केवल उस मैसेज के सोर्स को रिप्लाई करेगा, यानी सिस्टम ए को ही रिप्लाई करेगा, न कि उस नेटवर्क में मौजूद सारे सिस्टम्स को रिप्लाई करेगा। सो हम कह सकते हैं ARP कैन बी यूजफुल इफ द ARP रिप्लाई इज कैश्ड केप्ट इन कैश मेमोरी फॉर ए वाइल। ARP है वो यूजफुल हो सकता है जब ARP रिप्लाई है वो कैश मेमोरी में थोड़ी देर के लिए सुरक्षित रखी जाती है। नेक्स्ट ARP पैकेट। अब जो ARP रिक्वेस्ट होता है, मैसेज होता है, उसका किस तरह का स्ट्रक्चर होता है वो देखिए। इसके अंदर सबसे पहले फील्ड आती है हार्डवेयर टाइप, 16 बिट की फील्ड होती है हार्डवेयर टाइप, फिर 16 बिट का प्रोटोकॉल टाइप, फिर हार्डवेयर लेंथ 8 बिट होती है इस फील्ड की साइज, फिर प्रोटोकॉल लेंथ इसकी साइज भी 8 बिट होती है, फिर ऑपरेशन यानी रिक्वेस्ट 1 और रिप्लाई 2। अगर रिक्वेस्ट है तो इसके अंदर 1 आएगा और रिप्लाई है तो 2। सेंडर हार्डवेयर एड्रेस फॉर एग्जांपल 6 बाइट ऑफ इथरनेट। सेंडर का हार्डवेयर एड्रेस है वो नीचे इस फील्ड में आएगा 32 बिट का। सेंडर प्रोटोकॉल एड्रेस फॉर एग्जांपल 4 बाइट ऑफ IP। टारगेट हार्डवेयर एड्रेस फॉर एग्जांपल 6 बाइट ऑफ इथरनेट इफ इट इज़ नॉट फील्ड इन रिक्वेस्ट। अब टारगेट हार्डवेयर एड्रेस जो होता है, यानी वो
DVIP का फिजिकल एड्रेस हमें फाइंड करना है, ये रिक्वेस्ट के अंदर ये फील्ड फिल नहीं होती। टारगेट प्रोटोकॉल एड्रेस फॉर एग्जांपल 4 बाइट ऑफ 4 IP, तो ये IP पैकेट का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट एनकैप्सुलेशन ऑफ ARP पैकेट, ARP पैकेट में किस तरह से एनकैप्सुलेशन होता है देखिए। ARP रिक्वेस्ट और रिप्लाई पैकेट है वो आता है डेटा में, सबसे पहले इसमें प्रीमेबल एंड SFD फील्ड आती है जिसकी साइज 8 बाइट की होती है, डेस्टिनेशन एड्रेस 6 बाइट का, सोर्स एड्रेस 6 बाइट का और टाइप 2 बाइट का, डेटा इसमें ARP और रिक्वेस्ट पैकेट आते हैं और फिर लास्ट में CRC 4 बाइट का। इस तरह से ARP पैकेट का एनकैप्सुलेशन होता है। नेक्स्ट 4 कैसेज यूजिंग ARP। अब ARP में 4 स्पेशल केसेज होते हैं जो ARP का यूज लेते हैं। पहला इसमें केस देखिए, केस 1, ए होस्ट हैज ए पैकेट टू सेंड टू अनदर होस्ट ऑन द सेम नेटवर्क। किसी होस्ट के पास कोई पैकेट है जो उसको उसी नेटवर्क पे सेंड कर रहा है। टारगेट इसमें होता है IP एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस इन द IP डेटाग्राम। IP डेटाग्राम के अंदर जो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है वही टारगेट IP एड्रेस होता है। यहाँ पे जो टारगेट IP एड्रेस जिस पे आप मैसेज भेजोगे वो होगा कि आपके IP डेटाग्राम में जो डेस्टिनेशन एड्रेस होगा वही आपका टारगेट IP एड्रेस। केस 2 देखिए, जब ए होस्ट वांट टू सेंड ए पैकेट टू अनोदर होस्ट ऑन द अनोदर नेटवर्क, अगर किसी दूसरे नेटवर्क पर मौजूद होस्ट को पैकेट सेंड करना है तो क्या होगा, इट मस्ट फर्स्ट बी डिलीवर्ड टू ए राउटर, तो वो पहले किसी राउटर को डिलीवर्ड होगा। तो यहाँ पे जो टाइप टारगेट IP एड्रेस होगा वो होगा IP एड्रेस ऑफ ए राउटर, टारगेट IP एड्रेस है वो किसी राउटर का IP एड्रेस होगा। केस 3 देखिए, ए राउटर रिसीव ए पैकेट टू बी सेंट टू ए होस्ट ऑन अनोदर नेटवर्क। अब किसी राउटर को पैकेट मिला है और उसको वो पैकेट किसी दूसरे नेटवर्क पर भेजना है, तब क्या होगा, देन इट मस्ट फर्स्ट बी डिलीवर्ड टू द अप्रोप्रिएट राउटर, दूसरे नेटवर्क में जाना है तो पहले अप्रोप्रिएट राउटर पर भेजेगा ये। टारगेट IP एड्रेस क्या होगा इसमें, IP एड्रेस ऑफ द अप्रोप्रिएट राउटर फाउंड इन द राउटिंग टेबल, राउटिंग टेबल में जो भी अप्रोप्रिएट राउटर होगा वही उसका टारगेट IP एड्रेस इसमें होगा। लास्ट केस इसमें 4th केस, ए राउटर रिसीव ए पैकेट टू बी सेंट टू ए होस्ट ऑन द सेम नेटवर्क। अब राउटर एक ऐसा पैकेट रिसीव करता है जो उसको उसी के नेटवर्क में सेंड करना है, तो टारगेट IP एड्रेस क्या होगा, डेस्टिनेशन एड्रेस इन द IP डेटाग्राम, IP डेटाग्राम में जो डेस्टिनेशन एड्रेस होगा वो होगा टारगेट IP एड्रेस। तो एन ARP रिक्वेस्ट इज ब्रॉडकास्ट, ये हम देख चुके हैं कि जब ARP रिक्वेस्ट की जाती है तो उस नेटवर्क में मौजूद प्रत्येक सिस्टम को रिक्वेस्ट जाती है, और एन ARP रिप्लाई इज यूनिकास्ट। यहाँ यूनिकास्ट का मतलब ये है कि जब ARP का जो रिप्लाई मैसेज होगा वो केवल और केवल सोर्स के पास ही जाएगा जहाँ से रिक्वेस्ट आई थी, न कि उस नेटवर्क में मौजूद सभी कनेक्टेड डिवाइसेज को जाएगा। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, ए होस्ट विद IP एड्रेस 130.23.43.20 एंड फिजिकल एड्रेस B2.34.55.10.12.22.10 हैज ए पैकेट टू सेंड टू अनोदर होस्ट विद IP एड्रेस ये 130.23.43.25 एंड फिजिकल एड्रेस, ये फिजिकल एड्रेस दे दिया। द टू होस्ट आर ऑन द सेम इथरनेट नेटवर्क, दोनों एक ही नेटवर्क पे हैं, सो द ARP रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई पैकेट्स एनकैप्सुलेटेड इन इथरनेट फ्रेम्स। अब हमें इनकी एनकैप्सुलेशन दिखानी है, तो फिगर 1 शोज द ARP रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई पैकेट्स। नोट दैट द ARP डेटा फील्ड इन दिस केस इज 28 बाइट्स एंड दैट द इंडिविजुअल एड्रेस डू नॉट फिट इन द 4 बाइट बाउंड्री,
दैट्स वाई यू डू नॉट शो द रेगुलर 4 byte बाउंड्रीज ऑफ दीज एड्रेसेस। देखिए इस फिगर में इनको दर्शा रखा है, ये होस्ट एरिया जिसका आईपी एड्रेस आपको दिया गया है क्वेश्चन में, और इथरनेट यानी फिजिकल एड्रेस भी आपको दिया गया है। ये एआरपी रिक्वेस्ट डालेगा जिसमें ये सारी वैल्यू दे दी गई है। आईपी एड्रेस की जगह इसने आईपी एड्रेस लिख दिया है, सोर्स फिजिकल एड्रेस है, वहाँ पे फिजिकल एड्रेस जो दे रखा है वो लिख दिया है। अब यहाँ पे जो फील्ड खाली है वो क्या है, खाली फील्ड है आपका क्या है, डेस्टिनेशन फिजिकल एड्रेस है वो आपका खाली है, क्योंकि ये हमें फाइंड करना है इसलिए इसमें 00 लिखा हुआ है। और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस हमें पता ही है, वो क्वेश्चन में दिया गया है कि 130.23.43.25। तो ये एआरपी रिक्वेस्ट मैसेज गया, इसके आंसर में रिप्लाई मैसेज मिलता है बी से होस्ट ए को। तो उसमें देखिए इसमें जो येलो कलर से मार्क कर रखा है उस फील्ड की वैल्यू पहले तो क्या थी, 1 थी, उसके बाद में अब रिप्लाई है तो यहाँ पे आ जाएगा 2। देखिए हमने जब एआरपी का पैकेट फॉर्मेट पढ़ा था तो ऑपरेशन में अगर रिक्वेस्ट है तो 1 आएगा, रिप्लाई है तो 2 आएगा। देखिए इसमें इसी प्रकार सेंडर प्रोटोकॉल एड्रेस में आईपी एड्रेस आ गया था, हार्डवेयर एड्रेस में हार्डवेयर एड्रेस आ गया, टारगेट हार्डवेयर एड्रेस में हमने 0 लिखा है रिक्वेस्ट में क्योंकि ये हमें फाइंड करना है, और टारगेट प्रोटोकॉल एड्रेस में आईपी एड्रेस हमें दे ही रखा है टारगेट का, तो वही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चूँकि रिप्लाई है इसलिए ऑपरेशन फील्ड में आ गया 2। उसके बाद में यहाँ पे फिजिकल एड्रेस है वो इस होस्ट बी का आ गया, इसका सोर्स का जो आया है आईपी एड्रेस वो इसका होस्ट बी का आ ही गया। अब टारगेट फिजिकल एड्रेस है वो आपको ये मिल गया B2235510 2210, और आपका डेस्टिनेशन जो आईपी एड्रेस है वो होस्ट ए का हो ही गया है। तो इस तरह से एआरपी रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई मैसेज भेजे जाते हैं। नेक्स्ट प्रोक्सी एआरपी, द प्रोक्सी एआरपी राउटर रिप्लाइज टू एनी एआरपी रिक्वेस्ट रिसीव्ड फॉर डेस्टिनेशंस 141.23.56.21 एंड 141.23.56.22 एंड 141.23.56.23। ये सबनेट है इसमें जिसमें 3 होस्ट लगे हुए हैं। प्रोक्सी एआरपी जो है वो कोई भी एआरपी रिक्वेस्ट रिसीव होगी इन तीनों डेस्टिनेशन के लिए तब उसका रिप्लाई करेगा। जैसे कोई राउटर या होस्ट रिक्वेस्ट करता है तो जब वो रिक्वेस्ट जाएगी, क्योंकि एआरपी रिक्वेस्ट होती है वो ब्रॉडकास्ट होती है, तो ब्रॉडकास्ट का मतलब ये हुआ कि उस नेटवर्क पर मौजूद जो भी सिस्टम कनेक्टेड है उनके पास रिक्वेस्ट जाएगी। तो राउटर और होस्ट ने जो रिक्वेस्ट डाली है वो इन नीचे वाले तीनों होस्ट के अलावा इस प्रॉक्सी एआरपी राउटर के पास चली जाती है। वो इन तीनों की तरफ से, ये जो तीनों ऊपर एडेड सब नेटवर्क है, उन तीनों की तरफ से रिप्लाई करेगा इसके लिए। तो ये कंसेप्ट होता है प्रॉक्सी एआरपी का। अब मैपिंग फिजिकल टू लॉजिकल एड्रेस, हमने अभी तक लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस पढ़ा है, अब फिजिकल टू लॉजिकल एड्रेस मैपिंग पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमें 3 प्रोटोकॉल पढ़ने हैं। मुख्यतः RARP यानी रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, GOOTP एंड DHCP। तो इसमें क्या होगा, ए डिस्कलेस स्टेशन जस्ट बूटेड एन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव इनफ आईपी एड्रेस टू असाइन टू ईच स्टेशन। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने आईपी एड्रेस नहीं होते कि वो प्रत्येक स्टेशन को एक आईपी एड्रेस दे दें, तो वो डायनेमिकली असाइन करता है। अब हम पढ़ते हैं रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP। ए मशीन कैन यूज द फिजिकल एड्रेस टू गेट द लॉजिकल एड्रेस यूजिंग RARP। मशीन है वो फिजिकल एड्रेस से लॉजिकल एड्रेस फाइंड करने के लिए RARP का यूज करती है। ए RARP मैसेज इज क्रिएटेड एंड ब्रॉडकास्ट ऑन द लोकल नेटवर्क। RARP मैसेज क्रिएट होने के बाद लोकल नेटवर्क को ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। द मशीन ऑन द लोकल नेटवर्क दैट नोज द लॉजिकल एड्रेस विल रेस्पोंड विद ए RARP रिप्लाई। जिस मशीन के पास भी लॉजिकल
एड्रेस होता है उस लोकल नेटवर्क में, वो ही केवल रिप्लाई भेजती है। तो द मशीन ऑन द लोकल नेटवर्क पर मौजूद मशीन दैट नोज द लॉजिकल एड्रेस, जिसके पास लॉजिकल एड्रेस होता है उस फिजिकल एड्रेस का, विल रेस्पॉन्ड विद ए RARP रिप्लाई, केवल वही रिप्लाई करती है। ब्रॉडकास्टिंग इज डन एट डेटा लिंक लेयर, और ब्रॉडकास्टिंग यहाँ पे होगी वो डेटा लिंक लेयर पे होगी। ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट डज नॉट पास द बाउंड्रीज ऑफ ए नेटवर्क, ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट है वो नेटवर्क की बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकता, उसी नेटवर्क में आप भेज सकते हैं। बूट पी क्लाइंट एंड सर्वर ऑन द सेम एंड डिफरेंट नेटवर्क, अब बूट पी रिक्वेस्ट एंड बूट पी रिप्लाई देखिए इसमें सेम नेटवर्क पे कैसे होगा, रिक्वेस्ट जाएगी जो ब्रॉडकास्ट होगी, और अगर सर्वर है वो रिप्लाई करेगा इसमें। बूट पी क्लाइंट कोई सिस्टम होगा, वो रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, बूट पी को, और वो उसका रिप्लाई भेज देगा। क्लाइंट एंड सर्वर ऑन द सेम नेटवर्क, और क्लाइंट एंड सर्वर ऑन द डिफरेंट नेटवर्क, अगर आपका क्लाइंट किसी दूसरे नेटवर्क पे है, सर्वर दूसरे नेटवर्क पे है, तो इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन होगा। तो यहाँ क्या होगा, बूट पी क्लाइंट है वो रिप्लाई एजेंट के थ्रू मैसेज भेजेगा ब्रॉडकास्ट, यानी अपना जो लोकल नेटवर्क उसका होगा वहाँ पे तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा ब्रॉडकास्ट, यानी सबके पास चली जाएगी। उसके बाद में राउटर पे जाएगी, तो राउटर से इंटरनेट पर जो रिक्वेस्ट जाएगी वो यूनिकास्ट ही जाएगी, यूनिकास्ट रिक्वेस्ट जाएगी और सीधा सर्वर के पास चली जाएगी। तो यानी लोकल नेटवर्क में जो रिक्वेस्ट मैसेज जाता है वो ब्रॉडकास्ट होता है, लेकिन लोकल नेटवर्क से बाहर वो रिक्वेस्ट मैसेज होगा आपका यूनिकास्ट ही होता है। तो DHCP प्रोवाइड्स स्टेटिक एंड डायनेमिक एड्रेस एलोकेशन दैट कैन बी मैनुअल और ऑटोमेटिक। DHCP जो प्रोटोकॉल है वो स्टेटिक एंड डायनेमिक एड्रेस एलोकेशन प्रोवाइड करता है, जो कि मैनुअल या ऑटोमेटिक हो सकता है। अब हम पढ़ते हैं DHCP, यानी कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसका प्रमुख गोल क्या है, अलाउ होस्ट टू डायनेमिकली ओबिटेन इट्स IP एड्रेस फ्रॉम नेटवर्क सर्वर व्हेन इट जॉइंस नेटवर्क। ये होस्ट को अलाउ करता है कि वो डायनेमिकली IP एड्रेस है वो ओबिटेन कर ले अपने नेटवर्क सर्वर से जब वो उस नेटवर्क को ज्वाइन करता है। कैन रिन्यू इट्स लीज ऑन एड्रेस इन यूज, इसको रिन्यू कर सकता है। अलाउज री यूज ऑफ एड्रेसेस only hold address while connected and on, जब वो connected रहता है actively तभी वो address hold रख सकता है, otherwise नहीं। support for mobile user who want to join network, DHCP है वो मोबाइल यूजर की टेक्निक है उसको सपोर्ट करता है मोर शॉर्टली। DHCP overview, होस्ट ब्रॉडकास्ट DHCP डिस्कवर मैसेज, DHCP सर्वर रेस्पॉन्ड विद DHCP ऑफर मैसेज, होस्ट है वो ब्रॉडकास्ट करता है DHCP डिस्कवर मैसेज को, फिर DHCP सर्वर है वो रेस्पॉन्ड करता है DHCP ऑफर मैसेज से, होस्ट रिक्वेस्ट IP एड्रेस, उसके बाद में होस्ट है वो IP एड्रेस रिक्वेस्ट करता है DHCP रिक्वेस्ट मैसेज कमांड से, और फिर DHCP सर्वर सेंड्स एड्रेस DHCP ACK मैसेज, फिर DHCP जो सर्वर है वो DHCP ACK मैसेज से एड्रेस है वो होस्ट को भेज देता है। अब ये DHCP क्लाइंट सर्वर सिनेरियो दिया गया है, यहाँ पे होस्ट ने मैसेज भेजा है अराइविंग DHCP क्लाइंट्स नीड एड्रेस इन दिस नेटवर्क, जैसे ही ये सिस्टम इससे कनेक्टेड होता है तो इसको DHCP क्लाइंट है उसको एड्रेस की आवश्यकता होती है IP एड्रेस की नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है जो इसमें दर्शाया गया है इसके स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट DHCP क्लाइंट सर्वर सिनेरियो, DHCP सर्वर है उसका IP एड्रेस दिया गया है 223.1.2.5 और अराइविंग क्लाइंट, तो सबसे पहले अराइविंग क्लाइंट है वो मैसेज भेजेगा DHCP डिस्कवर, जिसमें SRC यानी सोर्स डेस्टिनेशन YIADDR और ट्रांजेक्शन ID ये चार फील्ड इसमें होती हैं, Y एड्रेस,
सोर्स डेस्टिनेशन और ट्रांजेक्शन ये भेजता है। फिर सर्वर रिप्लाई करता है DHCP ऑफर मैसेज से। उसके बाद में अब सोर्स ने अपना एड्रेस भेज दिया, अभी फिलहाल कुछ है नहीं, डेस्टिनेशन इसका ये हो गया, DHCP ऑफर है, उसको रिप्लाई करता है। उसका जो SRC है वो 223.125.67 और डेस्टिनेशन एड्रेस ये आपका हो गया 68 और YI एड्रेस हो गया 223.124 और ट्रांजेक्शन ID 654 और लाइफ टाइम 3600 सेकेंड। ये DHCP ऑफर जाता है सर्वर की तरफ से क्लाइंट को, क्लाइंट फिर रिक्वेस्ट करता है और फिर सर्वर फाइनली रिप्लाई करता है विद IP एड्रेस। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है DHCP क्लाइंट सर्वर सिनेरियो में। नेक्स्ट आपका आएगा ICMP मैसेज। तो अब तक हमने पढ़े हैं एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल और रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, DHCP प्रोटोकॉल और BOOTP प्रोटोकॉल। तो ये चारों थे वो एड्रेस मैपिंग में काम आ रहे थे। अब आपका नेक्स्ट है ICMP। द IP प्रोटोकॉल हैज़ नो एरर रिपोर्टिंग और एरर करेक्टिंग मैकेनिज्म। IP प्रोटोकॉल के पास में एरर रिपोर्टिंग और एरर करेक्टिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं है। द IP प्रोटोकॉल आल्सो लैक्स ए मैकेनिज्म फॉर होस्ट एंड मैनेजमेंट क्वेरी। होस्ट एंड मैनेजमेंट क्वेरी के लिए भी कोई मैकेनिज्म नहीं है। द इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल यानी ICMP हैज़ बीन डिजाइन टू कंपनसेट फॉर द अबाउ टू डिफ़िकल्टीज। इन दोनों डिफ़िकल्टीज़ को कंपनसेट करने के लिए कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज हैं, एरर रिपोर्टिंग और एरर करेक्टिंग मैकेनिज्म नहीं है, इनके कारण जो डिफ़िकल्टीज आती हैं इनको दूर करने के लिए ICMP का डिज़ाइन किया गया। इट इज़ ए कैंपेन फॉर टू द IP प्रोटोकॉल। अब यहाँ हम डिस्कस करेंगे ICMP मैसेज का टाइप, मैसेज फॉर्मेट, एरर रिपोर्टिंग एंड क्वेरी और डीबगिंग टूल्स। तो एक एक करके देखते हैं। पहले है जनरल फॉर्मेट ऑफ ICMP मैसेजेज। ICMP मैसेज का जनरल फॉर्मेट क्या होगा वो हम देख रहे हैं। इसमें 8 बिट का टाइप्स होता है, 8 बिट का कोड होता है और चेकसम होता है 16 बिट का। रेस्ट ऑफ द हेडर, रेस्ट आपका होगा हेडर और इसमें फिर आएगा आपका डेटा सेक्शन। तो ये आपका होगा जनरल फॉर्मेट ऑफ ICMP मैसेज। नेक्स्ट इसमें आएगा ICMP ऑलवेज रिपोर्ट्स एरर मैसेज टू ओरिजिनल सोर्स। ICMP जो है वो हमेशा रिपोर्ट करेगा एरर मैसेज को ओरिजिनल सोर्स को ही। अब एरर रिपोर्टिंग मैसेज के टाइप देखते हैं। एरर रिपोर्टिंग मैसेज है उसके ये टाइप होते हैं, टाइप 3 यानी डेस्टिनेशन अनरीचेबल, टाइप 4 सोर्स क्विंस, टाइप 11 अगर एरर आ रही है तो उसका मतलब हो गया टाइम एक्सीड, टाइप 12 पैरामीटर प्रॉब्लम्स और रीडायरेक्शन टाइप 5। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ICMP एरर मैसेजेज। नो ICMP एरर मैसेज विल बी जनरेटेड इन रेस्पॉन्स टू ए डेटाग्राम कैरिंग एन ICMP एरर मैसेज। ठीक है, तो ICMP उस डेटाग्राम के लिए जिसमें ICMP एरर मैसेज होता है उसके लिए कोई भी ICMP एरर मैसेज जनरेटेड नहीं होता है रेस्पॉन्स में। एज ए रेस्पॉन्स ICMP एरर मैसेज वाले डेटाग्राम के लिए कोई भी ICMP एरर मैसेज जनरेट नहीं होता। नो ICMP एरर मैसेज विल बी जनरेटेड फॉर ए फ्रेगमेंटेड डेटाग्राम दैट इज नॉट द फर्स्ट फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंटेड डेटाग्राम के लिए कोई भी ICMP एरर मैसेज जनरेट नहीं होता है। नो ICMP एरर मैसेज विल बी जनरेटेड फॉर ए डेटाग्राम हैविंग ए मल्टीकास्ट एड्रेस। मल्टीकास्ट एड्रेस वाले डेटाग्राम के लिए ICMP एरर मैसेज जनरेट नहीं होता है। नो ICMP एरर मैसेज विल बी जनरेटेड फॉर ए डेटाग्राम हैविंग ए स्पेशल एड्रेस सच एज 127.0.0.0 और 0.0.0.0। अ कंटेंट ऑफ डेटा फील्ड्स फॉर द एरर मैसेज। रिसीव्ड डेटाग्राम, डेटाग्राम जो आपको रिसीव होता है उसमें होता है IP हेडर 8 बाइट्स और रेस्ट ऑफ द IP
डेटा। अब यहाँ पे आईसीएमपी पैकेट कैसे बनेगा है, इसके साथ आईसीएमपी हेडर लगा दिया गया है। उसके बाद में इस पर पुनः आईपी हेडर लगा के इसको आईपी डेटाग्राम के रूप में भेज दिया जाता है। तो ये आपका कंटेंट होंगे एरर मैसेज के अंदर। नेक्स्ट क्वेरी मैसेज। क्वेरी मैसेज हैं वो चार टाइप के हैं, जैसे इको, रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, टाइप 8 एंड 0, टाइम स्टाम्प रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई टाइप 13 एंड 14, एड्रेस मास्क रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई टाइप 17 एंड 18, और राउटर सोलिसिटेशन एंड एडवर्टाइजमेंट टाइप 10 एंड टाइप 9। ये होते हैं क्वेरी मैसेज एंड उसके टाइप। अब एनकैप्सुलेशन ऑफ आईसीएमपी क्वेरी मैसेज। आईसीएमपी पैकेट है वो आईपी डेटा के रूप में एनकैप्सुलेट हो जाता है और उसके साथ आईपी हेडर लगा के उसको भेज दिया जाता है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। फिगर 2 शोज एन एग्जांपल ऑफ चेकसम कैलकुलेशन फॉर ए सिंपल इको रिक्वेस्ट मैसेज। एक सिंपल इको रिक्वेस्ट मैसेज के लिए चेकसम कैलकुलेशन का एग्जांपल दिया गया है। वी रेंडमली चूज द आइडेंटिफायर टू बी 1 एंड द सीक्वेंस नंबर टू बी 9। द मैसेज इज डिवाइडेड इंटू 16 बिट, यानी 2 byte वर्ड्स। द वर्ड आर एडेड एंड द सम इज कॉम्प्लीमेंटेड। नाउ द सेंडर कैन पुट दिस वैल्यू इन द चेकसम फील्ड। देखिए ये चेकसम कैलकुलेशन का एग्जाम्पल है जिसमें 16 बिट का अंक बना के इन सब को ऐड कर दिया गया है और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया गया है। तो इस तरह से चेकसम कैलकुलेशन होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी यूज द पिंक प्रोग्राम टू टेस्ट द सर्वर fhda.edu। द रिजल्ट इज शोन इन द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में उसका रिजल्ट है। द पिंक प्रोग्राम सेंड्स ए मैसेज विद सीक्वेंस नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड फॉर ईच प्रोब इट गिव्स अस द RTT टाइम। द TTL यानी टाइम टू लीव फील्ड इन द आईपी डेटाग्राम दैट एनकैप्सुलेट्स एन आईसीएमपी मैसेज हैज बीन सेंट टू 62। At the beginning, ping defines the number of data bytes as 56 and the total number of bytes as 84. It is obvious that if we add 8 bytes of ICMP header and 20 bytes of IP header to 56, the result is 84. 84 कैसे हुआ? क्योंकि इसमें 8 byte हमने जोड़ दी ICMP header की और 20 byte IP header की, तो इसमें 56 में ये और ऐड किए तो 84 हो गया। However, नोट दैट इन ईच प्रोब पिंग डिफाइन द नंबर ऑफ बाइट्स एज 64। दिस इज़ अ टोटल नंबर ऑफ बाइट्स इन द आईसीएमपी पैकेट्स, यानी इसके अंदर 8 बाइट का डेटा था। तो 56 प्लस 8 यानी आपका टोटल हो गया 64 बाइट। अब ये पिंग कमांड पिंग लगा के इसमें चेक किया है तो इसका रिजल्टेंट इस स्लाइड में दिखाया गया है। 64 बाइट्स फ्रॉम tiptoe.fhda.edu और ये इसका आईपी एड्रेस है आईसीएमपी सीक्वेंस 0 और टीटीएल हो गया 62। टाइम इसका दिया है इसने 1.91 मिली सेकेंड। देखिए इस तरह से चलता रहता है, आईसीएमपी सीक्वेंस नंबर बढ़ते जा रहे हैं और टाइम है उस हिसाब से आता जा रहा है पैकेट्स टाइम्स। तो नीचे इसने दिखा दिया है स्टेटिक्स की 11 पैकेट ट्रांसमिटेड, 11 रिसीव्ड, 0% पैकेट लॉस, टाइम आपका आ गया 10,103 मिली सेकेंड और RTT MIN AVG मैक्सिमम ये आपका टाइम ये आ गया है। नेक्स्ट ये इसमें इको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई मैसेज दर्शाए गए हैं इस स्लाइड में, जो हमने कमांड डाली थी उसका रिजल्टेंट यहाँ पे दर्शाया गया है। अब देखते हैं द ट्रेस रूट प्रोग्राम ऑपरेशन। होस्ट ए, होस्ट बी एंड होस्ट सी ये तीनों अलग अलग नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और ये नेटवर्क आपस में राउटर के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो ये आपको एक पूरा सुपर नेटवर्क दिया गया है जिसमें अलग अलग नेटवर्क राउटर्स के थ्रू जुड़े हुए हैं जिनमें तीन होस्ट हैं ए बी एंड सी। तो रियल इंटरनेट डिलेज एंड रूट्स। व्हाट डू रियल इंटरनेट डिले एंड लॉस लुक लाइक? रियल इंटरनेट डिले और लॉस किस तरह का होता है? तो इसके लिए आता है ट्रेस रूट प्रोग्राम प्रोवाइड्स डिले मेजरमेंट फ्रॉम सोर्स टू रूट अलोंग एंड टू एंड इंटरनेट पाथ टुवर्ड्स डेस्टिनेशन। ये डिले मेजरमेंट प्रोवाइड करता है सोर्स से राउटर
और एंड टू एंड इंटरनेट पाथ से लेकर के डेस्टिनेशन तक जब तक नहीं पहुँचे। नीचे एग्जांपल दिया गया है, सेंडर वो क्या कर रहा है, सेंड 3 पैकेट्स दैट विल रीच राउटर आई, जो कि राउटर आई पे पहुँच रहे हैं, ऑन पाथ टुवर्ड्स डेस्टिनेशन एंड राउटर आई विल रिटर्न पैकेट्स टू सेंडर। राउटर आई है वो पैकेट भेज रहा है सेंडर को, सेंडर टाइम्स इंटरवल बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिप्लाई। ट्रेस रूट कमांड्स होंगी, अंडर विंडोज में आएगी आपकी ट्रेस आरटी, अंडर यूनिक्स में आएगी ट्रेस रूट, और यू कैन ट्राई इट ऑन, यहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ट्रेस रूट कमांड का आउटपुट हमें दिया गया है, विंडोज में अप्लाई किया गया है। तो ट्रेस आरटी किसका रूट ट्रेस किया है, google.com का। तो ट्रेस रूट टू google.com, आईपी एड्रेस हमें दिया है 74.125.45.100 और उसका है ओवर मैक्सिमम ऑफ 30 हॉप्स, ये इसका रिजल्ट दिया गया है। इसमें ट्रेस बताया गया है कि कहां कहां से मैसेज जा रहा है और कहां कहां से रिजल्टेंट इसका आ रहा है। ये फिर इसने दूसरी किसी साइट का ट्रेस रूट दिया है। अब इसमें नेक्स्ट आया है आपका IGMP यानी इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। द IP प्रोटोकॉल कैन बी इन्वॉल्व इन टू टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, यूनिकास्टिंग एंड मल्टीकास्टिंग। द इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल यानी IGMP इज वन ऑफ द नेसेसरी बट नॉट सफिशियंट प्रोटोकॉल्स दैट इज इन्वॉल्व इन मल्टीकास्टिंग। यहाँ पे ICMP था वो यूनिकास्टिंग में था और IGMP है वो मल्टीकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है। प्रक्रिया वही है बस, ये इसका जो यूज होता है वो मल्टीकास्टिंग में होता है। तो IGMP इज ए कैंपेन टू द IP प्रोटोकॉल। तो इसी के साथ ही आपके इंटरनेट कंट्रोल प्रोटोकॉल्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।